सीरीज में सीडीपी को खत्म करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी को, आउट ऑफ 30 सिर्फ और सिर्फ ये सीरीज फॉलो करके भी अगर 25 प्लस ना आए तो आपका लेट्स लर्न से जुड़ने का कोई खास औचित्य शायद पूरा नहीं हो पाएगा। बट अगर आप बात कर रहे हैं मार्क्स की, लर्निंग तो पता नहीं, लर्निंग की तो कोई वो है ही नहीं, तो इतना तो आप एटलीस्ट इस सीरीज से ला पाएंगे अगर आप समझ पा रहे हैं तो मिनिमम। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, टॉपिक रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि एवं विकास, जिसकी अगर मैं इंपॉर्टेंस बताऊं आपके 30 नंबर के सिलेबस में, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के बाल विकास के 30 नंबर हैं, जिसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन आपके मिनिमम आ जाते हैं किससे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, GND कह सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आपका, है ना, 4 तो कम से कम। अब इसमें आपका टॉपिक और भी छोटे छोटे टॉपिक आ जाएंगे, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट क्या है, और इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, ठीक है बात। तो टॉपिक वाइज लेकर के चलेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट की भी क्लैरिटी आ सके और प्लस आप क्वेश्चंस को साथ में डील कर सकें। डेली टाइमिंग जो रहेगा वो रहेगा 9:30 का, 35 तक शुरू कर देंगे, है ना, रात को। कई लोगों के लिए लेट हो सकता है, बट रिकॉर्डेड सेशंस देख लीजिएगा, सारे यूट्यूब पर अवेलेबल रहेंगे। जितने भी लेक्चर्स हैं इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक। टेलीग्राम चैनल आप जानते हैं, लेट्स लर्न स्क्वाड सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, और वहां सारी पीडीएफ ऑब्वियसली फ्री ही अवेलेबल होंगी। ये सारे चैप्टर्स जो भी चलेंगे आज से, मुझे लगता है दिसंबर लास्ट तक हम ये जितने भी मुझे सब्जेक्ट आपको कराने हैं 3 से 4, ये हम खत्म, 5 सब्जेक्ट इवन, ये इनका रिवीजन हम खत्म कर चुके होंगे एक एक्सपर्ट तरीके से। इससे पहले एकदम डिटेल्ड कंटेंट आपको ऑलरेडी मिल गया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम जाएं और फिर उसके बाद हम कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, ठीक है बात। देख लेते हैं क्वेश्चन, देखिए, और हिंदी में और इंग्लिश की टाइपिंग में अब आपको मिस्टेक जो है ट्रांसलेशन में नहीं देखने को मिलेंगी, थैंक्स टू आर न्यू टीम मेंबर, है ना। स्टार्ट करते हैं, बहुत बढ़िया, सही है, सेशन एकदम सही से चल रहा है ना, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, सही है सही है सही है। देखो आंसर पे नहीं जाएंगे डायरेक्ट, पहले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, पहले हम चलेंगे कॉन्सेप्ट पे, एक मिनट रुको, बिल्कुल जिनमें पेशेंस हो वही देखिएगा, क्योंकि डिटेल डिस्कशन का मतलब है पेशेंस। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि सिर्फ, एक मिनट रुको, ठीक है बात, देख पा रहे होगे सभी के सभी, हाँ मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी। अब डेली मिल रहे हैं हम लोग आज से 9:30 बजे, और बहुत अच्छी एनर्जी आप लोगों की, अगर ऐसी एनर्जी रहेगी तो हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और सीटेट आपका क्रैक करने से तो कोई नहीं रोकेगा, बल्कि आप बेहतर ही करेंगे। फिर उसके बाद हम मिलेंगे मीटअप में, मैं एक बार देख लेती हूँ ये चीजें ठीक से चल रही हैं, आप देख भी पा रहे हैं ठीक से। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अलग अलग आंसर आप लोग कर रहे हैं अभी भी, है ना। उदय सर की लगवाएंगे क्लास, टेंशन ना लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 4,500 लोग देख रहे हैं, सिर्फ 3,000 लोगों ने लाइक किया है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, पहला दिन है आज, नई शुरुआत कर रहे हैं एक तरीके से सीटेट की, तो एनर्जी बना के रखो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, दिखने में तो कोई समस्या नहीं है। चलो देखो क्वेश्चन, देखो द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत सारी चीजें इस तरीके से पूछी जाती हैं पेपर में कि वो हम कनेक्ट नहीं कर पाते कि हमने इस टॉपिक में कैसे पढ़ी थी, ठीक, या पढ़ी भी थी या नहीं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था का जो संप्रत्यय है या अवधारणा है, इससे अभिप्राय क्या है। पहला ऑप्शन है आपके सामने, यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान है, मतलब दुनिया के सभी कल्चर में समान है या कल्चर का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता, ये बात। दूसरा पॉइंट है, अ सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कॉन्टेम्प्रेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियोरिस्ट, यानी कि सामाजिक रचनावादियों के अनुसार एक ऐसी परिकल्पना है, एक ऐसी संकल्पना है बाल अवस्था जो मनोवैज्ञानिक रूप से बनाई गई है, समाज के द्वारा बनाई गई है। दूसरा ऑप्शन है, दैट चिल्ड्रन आर बॉर्न इविल एंड हैव टू बी सिविलाइज, बच्चे क्या है, दुष्ट प्रवृत्ति के साथ जन्म लेते हैं और उनको सभ्य बनाना पड़ता है, ये चाइल्डहुड है। या फिर दैट चिल्ड्रन बिगिन विद नथिंग एट ऑल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर शेप्ड बाय एंटायरली बाय एनवायरमेंट, यानी कि वो बिल्कुल खाली पैदा होते हैं और पर्यावरण के द्वारा उनके अंदर विशेषताएं भरी जाती हैं। बताइए एक बार, थोड़ा जूम कर दो, जूम करें क्या, साफ नहीं दिख रहा, दिखना तो साफ चाहिए भाई, एक मिनट रुको, ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी,
एक बार बताना कमेंट करके सब क्लियर है कि नहीं है। क्लियर है मैम। चलो हल्का सा जूम कर देते हैं। बस इससे ज्यादा जूम नहीं करेंगे भाई, फिर दिक्कत होगी। और रही बात आपके फोकस की, फोकस में तो कोई कमी नहीं है, बहाने तो लगाओ मत, एकदम क्लियर है। चलो फटाफट से आओ, अब समझो एक बार। देखो क्वेश्चन, देखो कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड की बात करें यानी बाल्यावस्था की अवधारणा से अभिप्राय की बात करें तो आंसर जो है, यहां अगर मैं बताऊं, बाल्यावस्था जनरली हम क्या समझते हैं, हम समझते हैं कि जन्म से 12 वर्ष तक, 18 वर्ष तक, जो आपकी यूनिसेफ आई थिंक या फिर इनमें से किसी की एक इंटरनेशनल डेफिनेशन भी है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे को आप बालक कह सकते हो, किशोर कह सकते हो, है ना। 18 के बाद मतलब बेसिकली आप बच्चे नहीं रह पाएंगे, एडोलेसेंस को एक बार आप इंक्लूड कर भी सकते हो, है ना। टेक्निकली अगर हम देखें तो इसका आंसर होना चाहिए था ए, लेकिन आंसर ए नहीं है। मतलब बाल्यावस्था का मतलब सिर्फ ये बचपन नहीं है, ये कम एज नहीं है, है ना। फिर क्या हुआ इसका मतलब, कॉन्सेप्ट क्या हुआ इसका, समझेंगे अभी। इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, जिसमें कहा गया है कि आ सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कॉन्टेम्प्रेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियोरिस्ट, यानी एक सामाजिक संरचना है सामाजिक संरचनावादियों के अनुसार या सामाजिक रचनावादियों के अनुसार, जैसे आप वाइगोस्की कह सकते हो या बाकी लोग कह सकते हो जो सामाजिक संरचना की बात करते हैं। ठीक है बात। इट्स नॉट क्लियर, एक मिनट रुको यार, 1080 भी करो, आज तो दुखी करके रख दिया है, ये टेक्निकल इश्यूज रहते ही हैं। और कितना क्लियर लोगे, इससे ज्यादा क्लियर नहीं होता। क्लियर है सब, बहाने मत लगाओ। अब बीच में कोई रुकेगा नहीं, चाहे किसी को दिखे ना तब भी सुन लेना, है ना, मजा खराब हो जाएगा फिर सेशन का। ऑल ओके ना, सही है, चलो अपनी क्वालिटी बढ़ा लेना ऐसी दिक्कत हो तो। आंसर होगा आ सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कॉन्टेम्प्रेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियोरिस्ट, यानी समकालीन सामाजिक रचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। इसका आंसर यह है। पेडागोजी है तो यहां 2+2=4 हो नहीं सकते, इसका रीजन क्या है समझते हैं इसको। देखो बहुत सारे लोगों ने ये एक क्या कहें थॉट दिया है, इस पे बहुत सारे पेपर्स पब्लिश हुए हैं कि चाइल्डहुड क्या है, एक सामाजिक संरचना है, ये समाज ने बनाया है एक तरीके से, एज इसमें मैटर उतना नहीं करता, है ना। अब ये एक पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव एज वाला है कि जिसकी एज कम हो या 18 वर्ष से कम या 12 वर्ष से कम की अवस्था को हमने चाइल्डहुड कह दिया, वो एज वाइज चीज है, लेकिन कल्चर का, आपकी क्लास का, आपके जेंडर का भी इवन इस पे प्रभाव पड़ेगा। एक बच्चा जो मेरे और आपके घरों में रहता है वो 12 साल तक भी आप उसको हाथ में दूध दे रहे हैं, और एक बच्चा जो 5 साल का है और वो सड़क पर गुब्बारे बेच रहा है, चाइल्डहुड उसके लिए भी सेम होना चाहिए था लेकिन उसके लिए अलग है, आपके घर वाले बच्चे के लिए अलग हो गया। कैसे हो गया, सामाजिक संरचना है, समाज ने बना दिया। ठीक है बात। तो आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, इसलिए होगा। तो सोशियो कल्चरल जो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन लोग, जो रचनावाद में विश्वास रखते हैं, जो कहते हैं ज्ञान का निर्माण एक्टिविटी करके क्रिएट किया जाएगा, यानी नॉलेज को आप कंस्ट्रक्ट करते हैं एक्टिविटी करके, क्रिया के द्वारा। ठीक, पहला ऑप्शन था यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। अगर ये डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं करता, एज की बात करता, तब हम ए ऑप्शन के साथ चले जाते। इसने एज की बात नहीं की, इसने कह दिया कल्चर का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये कहना गलत है। ठीक है, अगर एज वाइज कहता ए ऑप्शन तब सही था, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगर आपको कोई कुछ भी कहे तो सिंपल बात है, आप चाहे तो कितने भी पेपर्स मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूं, पूरी थीसिस है इसके ऊपर, और आपका सीटेट में भी आई थिंक इस बार ही पेपर 2 का क्वेश्चन है, आप चाहे तो ऑफिशियल आंसर की चेक कर लीजिएगा। तो सिंपल बात यही रहेगी, जो भी आंसर्स डिस्कस किए जाएंगे वो फाइनल होंगे। ठीक है, चलिए फिर, ये बात क्लियर हुई यहां तक या नहीं हुई। चाइल्डहुड क्या हुई, एक सामाजिक संकल्पना हो गई सामाजिक रचनावादियों के अनुसार। अगर एज की वाइज एज वाइज बात होती तो ये यूनिवर्सली सेम हो जाता, क्योंकि अगर मैं कहूं जन्म से 2 वर्ष का बच्चा इन्फेंट है, ये तो दुनिया में सभी जगह है ना। 2 से 6 वर्ष का बच्चा अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था में है, बिल्कुल सही बात है। 7 से 11 वर्ष का बच्चा क्या है,
उत्तर बाल्यावस्था में है, बिल्कुल सही बात है, अमेरिका में भी यही होगा, यूरोप में भी यही होगा, भारत में भी यही होगा। और अगर मैं कहूं कि 12 से 18 वर्ष का बच्चा क्या है, किशोर अवस्था का कहलाएगा, यानी एडोलेसेंस का, बिल्कुल सही बात है। तो यूनिवर्सली सेम हो गई बात एज के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग हमने इसको बांधा हुआ है। लेकिन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट के अकॉर्डिंग या कल्चर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कल्चर का, जेंडर का, क्लास का, हर चीज का लगभग प्रभाव पड़ेगा बच्चे की चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पे और चाइल्डहुड की अवधारणा पे, यानी उसकी जो बाल्यावस्था की संप्रत्यय है, जो अवधारणा है उस पर। ठीक है बात, नेक्स्ट ऑप्शन फिर भी देख लेते हैं, बिल्कुल इसको एक एक ऑप्शन के साथ क्लियर करके चलेंगे। दैट चिल्ड्रन आर बॉर्न ईविल, ऐसा हम बिल्कुल नहीं मानते, बल्कि जो आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, जो बाल केंद्रित शिक्षा है, वो ये कहती है हर एक बच्चा सीखने की क्षमता के साथ जन्म लेता है। तो आप पेडागॉजी के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ऐसा नहीं मानेंगे कि बच्चा खाली है, ईविल है, दुष्ट है, कुछ नहीं है, नाकारा है, ऐसा नहीं मानेंगे। आप मानेंगे बच्चा क्या है, जिज्ञासु है, बच्चे में सीखने की क्षमता है और वो क्रिएटिविटी, कुछ नया करने की क्षमता रखता है। फिर है दैट चिल्ड्रन बिगिन विद नथिंग एट ऑल, ये कहना भी गलत है कि सब कुछ एनवायरमेंट शेप करेगा। विकास किसका परिणाम है, विकास आपका हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट दोनों का, यानी आनुवांशिकता भी, जो जीन्स से आपको अपने पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स मिले हैं डीएनए में, और आपके वातावरण से जो आपने सीखा है। तो सिर्फ एनवायरमेंट भी कहना गलत होगा। आगे बढ़ेंगे तो चाइल्डहुड क्या हो गया, एक सामाजिक रचनावादी पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो एक ऐसी संरचना है जिसको समाज ने बनाया है। ठीक है बात, तो कह सकते हैं हम कि जो चाइल्डहुड का, यानी बचपन का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, बचपन का जो कॉन्सेप्ट है, वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता। अभी हमने बात की थी जो जेंडर है आपका, यानी मेल फीमेल, आप देखते हैं पहले क्या होता था जनरली, इसको अगर डिटेल में समझें, जो फीमेल्स हैं या गर्ल चाइल्ड है, जो लड़कियां हैं, उनको घर पर रोक लिया जाता था कि तुम क्या करोगी पढ़ लिख के, तुम क्या करो अपने छोटे भाई बहन को संभालो, उनको देखो, घर का काम सीखो। बच्चा तो वो भी था, बचपन तो उसका भी था, लेकिन और भारतवर्ष में आज भी ये चीज, लड़कों को बहुत सारे प्रिविलेज बिना मतलब के मिलते हैं फ्री फंड के, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो जन्म उन्होंने लड़के के रूप में लिया। तो क्या हो गया, जेंडर का चाइल्डहुड पे प्रभाव पड़ गया, जबकि बच्चे तो दोनों है ना भाई, बाल्यावस्था तो बच्चे लड़की के लिए भी थी, लड़के के लिए भी थी, लेकिन आपने जो संप्रत्यय था, जो कॉन्सेप्ट था, वो चेंज कर दिया, उनके अनुभव चेंज हो गए, तो जेंडर का भी प्रभाव पड़ेगा। आपका कल्चर कौन सा है, संस्कृति क्या है, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। आपका सोशल स्टेटस क्या है, गरीब के बच्चे के लिए वो बचपन नहीं है जो आपके, जिसके पास रिसोर्सेज हैं उसके लिए है। तो इन सब से मिलकर के कॉन्सेप्ट बनेगा बाल्यावस्था का, ऐसा कहते हैं कौन, सोशियो कल्चरल, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट, जैसे कि वाइगोस्की हो सकते हैं, जो भी सामाजिक रचनावादी हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा, रटने नहीं आए आप, नहीं तो पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर समझने नहीं आए आप। ठीक है बात, और अगर एज वाइज पूछता तो सिंपल सभी कल्चर में सेम रहता फिर, कि भाई एज तो सेम ही है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड हमने समझ लिया, इसमें चार अवस्थाएं होती हैं मेनली, जिसकी हम बात कहां से करते हैं, इन्फेंसी से शुरुआत हो जाती है, फिर अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। आगे बढ़ेंगे, अब इस क्वेश्चन की बात इतनी ही थी, इनको रिवाइज कर लीजिएगा, पीडीएफ में दे दूंगी टेलीग्राम पे। क्वेश्चन नंबर टू देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर टू देखिए, देखिए एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज करेक्ट, मतलब मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट कोई नहीं रोक सकता, हर बार एक क्वेश्चन आता ही है, एक तो मिनिमम आएगा, टोटल मिला के इस टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं जो डेवलपमेंट का टॉपिक है। ये आज पहली क्लास है डेवलपमेंट की, एक दो क्लासेस और लगेंगी। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन, पढ़ेंगे अभी ऑप्शन को, पहले जान लेते हैं हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बारे में, कि इसमें बाल विकास में हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बारे में क्या बातें सही हो सकती हैं। फटाफट से याद करके बताओ, हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टॉपिक में क्या क्या पढ़ा था हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बारे में। हेरिडिटी क्या है, एक फिक्स्ड फैक्टर है जिसको हम आनुवंशिकता कह रहे हैं, जिनमें पेशेंस हो वही देखिएगा ये सेशंस, आनुवंशिकता कह रहे हैं, नहीं तो शॉर्ट में करा के निकला जा सकता है लेकिन उसका फायदा उतना नहीं होगा। और पर्यावरण, ठीक, टेस्ट करने का टाइम आपको दिया जाएगा, हर सैटरडे हम एक टेस्ट रख लेंगे जिसमें हम फटाफट से सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे फोकस करेंगे। ठीक है बात, हेरिडिटी का मतलब है जो आपको आपके पेरेंट्स से, जो आपकी पहली पीढ़ी ने आपको जीन्स दिए हैं एक तरीके से, ठीक, ये आपने इनहेरिट किया है जिन चीजों को,
जो आपको विरासत में मिली हैं, और हेरिडिटी क्या है, एक फिक्स्ड फैक्टर है, इसमें बदलाव संभव नहीं है। आपकी आंखों का रंग, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपका हाइट आपकी कितनी जाएगी, आपका इंटेलिजेंस का लेवल, बहुत सारी चीजें हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित होती हैं, और कुछ चीजें एनवायरमेंट से ज्यादा प्रभावित होती है। एनवायरमेंट क्या है, डायनामिक है, परिवर्तनशील है। भाई आप ये थोड़ी कह सकते हो एक बार दुकान पे जाकर के कि मेरे ना जीन्स थोड़े से चेंज कर दो, ये आंखों का रंग ना बदल दो। स्टैटिक है, फिक्स्ड है। एक बार जो जीन्स आपको मिल गए वो मिल गए, अब ऐसा नहीं है कि आप शॉप पे जाके चेंज करा लो, है ना। आजकल सर्जरी हो रही है बट उससे आपके जीन्स चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक। तो डायनेमिक क्या है, पर्यावरण, मतलब ये चेंज होता रहेगा। आप आज किसी गांव में हैं, कल शहर में जा सकते हैं, परसों कहीं और जा सकते हैं, ठीक हो गई बात। तो एनवायरमेंट क्या है, डायनेमिक है। हेरिडिटी क्या है, ये स्टैटिक है, फिक्स्ड फैक्टर है। अगर कोई कहे कि कोई एक इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल भी नहीं, दोनों ही चीजें बराबर की महत्ता रखती हैं, चाहे वो एनवायरमेंट हो चाहे वो आपका हेरिडिटी हो। विकास बराबर, भाई वुडवर्थ कहते हैं कि विकास में यानी कि डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में हेरिडिटी और एनवायरमेंट का बराबर का रोल है, यानी हम कह सकते हैं डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, यानी विकास क्या है, गुणनफल है किसका, आनुवांशिकता और वातावरण का। क्लियर हो गई यहां तक की बात, कोई समस्या हो तो बताओ, है ना। तो हम दोनों ही केसेस में, चाहे वो व्यक्तिगत विभिन्नता हो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का टॉपिक हो, चाहे वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का टॉपिक हो, चाहे वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कोई हिस्सा हो, हेरिडिटी और एनवायरमेंट को बराबर इंपॉर्टेंस देते हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ क्षेत्र में यानी कुछ जगह पर हेरिडिटी ज्यादा प्रभावशाली हो जाए, जैसे मैंने बताया आंखों का रंग, बालों का टाइप, ये सब क्या है, आपकी हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं। आपकी एजुकेशन आपके एनवायरमेंट से ज्यादा प्रभावित होगी, कुछ क्षेत्र एक दूसरे से ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस दोनों की है। दोनों के इंटरेक्शन को हम डेवलपमेंट कह रहे हैं, अन्योन क्रिया को, दोनों मिलकर गुणनफल करेंगे तब जाके विकास होगा एक व्यक्ति का, जो उसका एनवायरमेंट है और जो उसकी हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स उसे मिले हैं, दोनों के साथ इंटरेक्शन होगा, ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो एक बार ये पूछा था कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट के रोल के बारे में कौन सी बात सही है, कीजिए आंसर। पहला ऑप्शन है द ओनली रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज हेरिडिटी। मैंने कहा था कोई भी एक ऑप्शन यदि एक तरफ झुके तो वो गलत है, ठीक। एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस टोटली शेप द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, यानी सिर्फ परिवेश का ही प्रभाव है आपके विकास पर, ये बात कहना भी गलत होगा। फिर है नाइदर हेरिडिटी नॉर एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस, ये भी गलत है, ऐसा थोड़ी है। फिर दो ही फैक्टर है आपके विकास के, इसके अलावा कुछ और नहीं है, या तो हेरिडिटी है या तो एनवायरमेंट है, दोनों का इंटरेक्शन है ना। देखिए एक बार, डी ऑप्शन है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। आप ये नहीं कह सकते कि ये वाली जो हरकत है मेरे अंदर वो हेरिडिटी से है, ये एनवायरमेंट से है, दोनों का कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है, अन्योन क्रिया है, गुणनफल है, ठीक है। ये भी एडिशन नहीं है या 50-50% नहीं है कि 50% हेरिडिटी 50% एनवायरमेंट। किसी क्षेत्र में कोई चीज ज्यादा प्रभाव करेगी और किसी क्षेत्र में कोई और चीज ज्यादा प्रभावित करेगी। तो ये इतना जटिल है कि हम बता नहीं सकते एग्जैक्टली कि कहां हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां एनवायरमेंट, या फिर कहां कितनी परसेंट है। बस हम ये कह सकते हैं कि दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक। परसेंटेज में नहीं बताएंगे लेकिन मानेंगे ये कि दोनों का जटिल अन्योन क्रिया है, अंतः क्रिया है, जिसकी वजह से मनुष्य का विकास होगा। तो डी ऑप्शन इसका सिंपल सही आंसर है। आगे बढ़ जाएंगे इसी के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। टॉपिक को क्लियर करते हुए हेरिडिटी और एनवायरमेंट की हमने बात कर ली है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ रैपिड पेस। विकास की अवस्थाओं के बारे में बात करें बाल विकास की, तो हम चार अवस्थाएं मेनली पढ़ते हैं, है ना। तो अगर मैं बात करूं यहां तो पूछा है कि कौन सी निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। विकास के चार प्रकार हैं मेनली, शारीरिक विकास यानी फिजिकल, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, सोशल यानी सामाजिक, और इमोशनल यानी सांवेगिक। अब ये चारों प्रकार में से यदि पूछा जाए कि शारीरिक वृद्धि सबसे तेजी से किस अवस्था में होगी, तो आप बताइए फटाफट से। हम ये जानते हैं कि शारीरिक वृद्धि जो है वो इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में सबसे तेजी से होती है, यानी जन्म से 2 वर्ष को तो हम इन्फेंसी कहते हैं, शैशवावस्था, ठीक, और अर्ली चाइल्डहुड हम 2 से 6 वर्ष को कहते हैं। तो सबसे तेजी से इन दो कालों में होगी, इन दो स्टेजेस में होगा डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट। अगर फिजिकल ग्रोथ की मैं बात करूं तो सबसे तेजी से इन्फेंसी में, उससे कम अर्ली चाइल्डहुड, फिर और कम हो जाएगा लेटर चाइल्डहुड में, और सबसे फिर एकदम से तेज होगा एडोलेसेंस में, ठीक है बात।
अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडिल चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड आप कह सकते हो 7 से 8, 7 से 11 का समय, तो इस स्टेज में तो कम होता है, ठीक। मिडिल चाइल्डहुड एंड अडोलेसेंस, अडोलेसेंस में ज्यादा है, लेकिन इससे भी ज्यादा है इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में। अडोलेसेंस एंड अडल्टहुड, अडल्टहुड में तो अब क्या ही आपकी वृद्धि होगी, बाहर दिखने वाली वृद्धि तो नहीं होती, हाइट भी एक हद तक रुक चुकी होती है, ठीक है बात। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा किस स्टेज में कौन सी चीज ज्यादा तेज होगी। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की यदि मैं बात करूं, और इसमें भी यदि फिजिकल ग्रोथ के बारे में पूछे, यानी शारीरिक रूप से सबसे तेजी से हाइट, वेट, ये सब चीजें कब बढ़ रही होंगी, तो फिजिकल ग्रोथ, ग्रोथ क्या है, ग्रोथ यानी वृद्धि, वो चीजें जो शारीरिक रूप से मापी जा सकती हैं वो वृद्धि के अंदर आती हैं, चाहे वो आपकी हाइट का बढ़ना हो, आपके वेट का बढ़ना हो, आपके नाखूनों का बढ़ना हो, ये एक टाइम तक होती है, उसके बाद रुक जाती है, एक उम्र के बाद, मैच्योरिटी के बाद ग्रोथ नहीं चलती जीवन पर्यंत, ये हिस्सा डेवलपमेंट का ही है, ठीक है बात। तो फिजिकल ग्रोथ की यदि मैं बात करूं, सबसे तेज होगा इन्फेंसी में, यानी जन्म से 2 वर्ष, बर्थ टू 2 ईयर्स लिख सकते हो, 0 to 2 ईयर्स भी लिख सकते हो, क्योंकि ईयर के टर्म में 0 to 2 ही रहेगा। इसके बाद है अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्य अवस्था, 2 से 6 वर्ष, 2 से 6 वर्ष का समय, ठीक है। इसके बाद है आपका लेटर चाइल्डहुड, 7 से 11 वर्ष, देन आपका आएगा अडोलेसेंस। ये 4 स्टेजेस बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, यहीं से क्वेश्चन आते हैं डेवलपमेंट में, इसके आगे और पीछे से जनरली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। 12 से 18 आप ये कह सकते हो कि आपका अडोलेसेंस हो जाएगा, ठीक है बात। समझ में आ गई बात, पता नहीं कितनी लंबी चली गई आज क्लास, हो सकता है मेरी 10:30 क्लास है वो भी कैंसिल करनी पड़े, है ना। देखो फिजिकल ग्रोथ की यदि बात की जाए, तो सबसे तेज जन्म के बाद की बात करेगा यदि, तो इन्फेंसी में सबसे तेज, अर्ली चाइल्डहुड में इन्फेंसी से कम होगा लेकिन फिर भी तेज है, ठीक है। लेटर चाइल्डहुड में थोड़ा धीमा हो जाएगा, तो हम कहेंगे धीमी हो जाएगी यहां गति। और एडोलेसेंस में आप देखते हैं एकदम से बच्चे फिर जैसे ही टीनेज में आते हैं तो फिर से बहुत तेजी से हाइट वगैरह बढ़ती है, ठीक। लेकिन सबसे तेज जो होगा इन दोनों में, इसमें कम है, एडोलेसेंस में फिर से ज्यादा है, ठीक है बात, क्लियर हुई कि नहीं। एक इससे भी पहले का पीरियड है आपका, जिसको हम प्रीनेटल पीरियड कह रहे हैं। प्रीनेटल मतलब प्रसव पूर्ण अवस्था, यानी कि जब ये आपका प्रेगनेंसी का टाइम हो गया, लगभग 9 महीने 10 दिन कहा जाता है, ठीक है, 45 वीक्स और समथिंग, 42 वीक्स, 42 हफ्ते, ठीक। प्रीनेटल पीरियड, प्रीनेटल पीरियड में तो आप एक सेल से, जो एक जरा सी कोई सेल है उससे आप इतने बड़े बन जा रहे हैं, तो वहां भी फिजिकल ग्रोथ काफी अच्छी खासी है, लेकिन हमें पता नहीं कितनी होती होगी, तो इसलिए हम जन्म के बाद सबसे तेज इसको मान रहे हैं। जन्म से पहले पूछे तो प्रीनेटल यानी प्रसव पूर्ण अवस्था हम कह सकते हैं, क्लियर हो गई बात या नहीं हुई। 280 दिन एग्जैक्टली, ठीक है बात। मनीष क्लास हुई थी वहां, सीटेट की हुई थी आज करियर विल पे, केवीएस वाले बैच में कल होगी, है ना, ठीक हो गई बात यहां तक की, कोई समस्या नहीं है ना, ठीक है आगे बढ़ते हैं। नहीं क्लास डेली चलेगी, अच्छा 10:30 वाली क्लास, यार ये लंबा चलेगा अभी तो, मुझे लग रहा है 2-3 ही क्वेश्चन हुए हैं, ये कॉन्सेप्ट बड़ा है अपने आप में, एक्सपर्ट सीरीज इसीलिए दे रहे हैं ताकि डिटेल में जा सके, ठीक है बात। यहां तक की बात क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑफ मिडल चाइल्डहुड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीरियड ऑफ मिडल चाइल्डहुड, हमने अभी बात की है जो लेटर चाइल्डहुड है ना, जिसको उत्तर बाल्यावस्था कह रहे हैं, उसी रफली अर्ली चाइल्डहुड के लास्ट से मिडल चाइल्डहुड के मिड तक, हम उसको मिडल चाइल्डहुड का नाम दे देते हैं, हम कह सकते हैं रफली वही आपका 6-7-8 साल वाली, 6-7-8-9 साल वाली एज कह सकते हैं। अब मिडल चाइल्डहुड की बात करें, जब मिडल चाइल्डहुड के बारे में पूछेगा तो आप लेटर चाइल्डहुड मान सकते हैं, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यानी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता बताइए, बताइए जरा, चाय ठंडी हो गई है बिल्कुल, पानी ही पियेंगे अब, चाय पी के क्या ही होगा, बताइए फटाफट से। आंसर कीजिए फटाफट से, बहुत बढ़िया, अब आपका पढ़ने का मूड है, डेली पढ़ाई करेंगे। देखो एक बार, मिक्स्ड आंसर्स दे रहे हो,
पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा एक पीरियड मध्य बाल्यावस्था की विशेषता बताता है। अगर आप प्याजे को पढ़ रहे हैं तब भी आपको ये बात पता होगी, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सबसे तेजी से मध्यकाल में नहीं हो रहे थे, इन्फेंसी में हो रहे थे और अर्ली चाइल्डहुड में, यानी 6 वर्ष तक, और मिडिल चाइल्डहुड 6 के बाद शुरू होगा, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। फिर है एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त रूप में बच्चा 11 साल के बाद सोच पाएगा, यानी कि जब वो अडल्ट सेंस में जाएगा, पियाजे के अकॉर्डिंग भी और वैसे भी। ठीक, चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कॉन्क्रीटली, आपको यह पता है पियाजे ने भी इस स्टेज को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है, 7 से 11 वर्ष की उम्र को। ठीक है बात, ये वो स्टेज है जहां बच्चे में तर्क आना शुरू हो जाता है। क्या आ जाएगा? तर्क आना शुरू हो जाएगा, वो लॉजिक और छोटे छोटे मैथमेटिकल चीजें भी वो समझने लगता है। तो सी ऑप्शन इसका सिंपल, सरल, सुंदर, टिकाऊ, सस्ता आंसर है। लर्निंग अकर्स प्रीमैरिली थ्रू सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटीज, ये आपका जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है जहां आपके सेंसेस के अकॉर्डिंग, आपकी ज्ञानेंद्रियों के अनुसार आप लर्न करते हैं। ठीक है बात, तो आंसर इसका सी सही हुआ। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है? कम से कम भी मैंने, अगर आपने वीडियोस पुराने देखे होंगे, नोट्स बनाए होंगे, तो आपको पता है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट मैंने 10-12 कराए हुए हैं कम से कम। प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, विकास क्या है? विकास के सिद्धांत यूनिवर्सल होते हैं, ये याद रखिएगा। यानी अभी हमने पढ़ा था चाइल्डहुड का जो कॉन्सेप्ट है वो समाज के रूप में चेंज हो सकता है, सामाजिक संरचना है, लेकिन ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये पूरे दुनिया में एक ही जैसे काम करते हैं। कि विकास क्या है? निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, स्पाइरल है, लीनियर नहीं है, है ना, रुकेगा नहीं, लाइफ लॉन्ग है ना, रिवर्सिबल नहीं होता, ये पूरी दुनिया में एक ही जैसा चलेगा। तो इनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल नहीं है किसका? विकास का, बताइए एक बार। पहला ऑप्शन है लाइफ लॉन्ग है, ये बात तो सही होती है। मॉडिफिएबल है, पता नहीं। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी आपकी जो हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता और वातावरण दोनों से ही प्रभावित है, ये बात तो एकदम सही है। डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कॉन्टेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, ये बात कहना गलत होगा। अभी हम इसको ही डिस्कस कर रहे थे कि विकास पर कल्चर का, यानी कि विकास की अवस्थाओं पे एज के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो ये यूनिवर्सल हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे किसी संस्कृति का, जेंडर का, इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका सोशल स्टेटस का, इन सब का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये गलत है। विकास को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं, एक है हेरिडिटी यानी आपकी आनुवांशिकता, और दूसरा है एनवायरमेंट यानी आपका पर्यावरण। पर्यावरण के अंदर ही ये कल्चर और आपका समाज आएगा जो इसको प्रभावित करेंगे। तो विकास प्रभावित होता है आपके संस्कृति से, आपके समाज से, ये कहना गलत है। ये कोई भी क्या है प्रिंसिपल नहीं होगा, किसका? विकास का। अब आप कहेंगे मॉडिफिएबल क्यों नहीं होगा? आंसर देखो, एक क्वेश्चन आता है कि रिवर्सिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता आज मैं मान लीजिए 20 साल की हूं और कल मैं 15 की हो जाऊं, बात तो सही है। रिवर्सिबल नहीं, आप स्टेज में पीछे नहीं जा सकते, रिवर्स गियर नहीं लग सकता। मॉडिफिएबल तो है ना, विकास का मतलब सिर्फ ग्रोथ थोड़ी है, ग्रोथ तो एक हिस्सा है ना। विकास में आपकी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, चाहे वो मेरे इमोशनल इमोशंस के रूप में, मेरा आपने देखा होगा कभी जिन चीजों पे आप कल रो रहे थे आज नहीं रो रहे, दैट मींस आपके इमोशंस मॉडिफाई हुए हैं कि नहीं हुए, डेवलप हुए हैं कि नहीं हुए, हुए हैं, सिंपल बात। तो मॉडिफिएबल तो है, रिवर्सिबल नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है, ये प्रिंसिपल नहीं है। मॉडिफिएबल पॉसिबल है, उतना आसान नहीं है बट पॉसिबल है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते, ये गलत है। संस्कृति, समाज, जेंडर, हर चीज प्रभावित करती है, फैक्टर्स हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। सिंपल आंसर हो गया, फुल स्क्रीन करके देखो सेशन, तभी क्लियर होगा। आगे बढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की मैं बात करूं एक मिनट में, तो फटाफट से डिस्कस करेंगे। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी विकास के अंदर हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ सिद्धांत हैं विकास के, ये लाइफ लॉन्ग यानी वूम्ब टू टूम्ब चलेगा, कॉन्टिन्यूअस है यानी सतत है। आपके जन्म से भी पहले विकास की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, गर्भ में ही, गर्भ से कब्र तक जाएगा, गर्भ से कब्र तक जाएगा यानी वूम्ब टू टूम्ब जाएगा, वूम्ब टू टूम्ब जाएगा, ठीक है। हमेशा जब तक आप खत्म नहीं हो जाते तब तक विकास भी होता रहेगा, ठीक है। विकास में डिके की प्रक्रिया भी आ जाती है, मतलब क्षयन भी है ना, लेकिन ग्रोथ के अंदर क्या है, सिर्फ एक हद तक बढ़ना, फिजिकली
शारीरिक रूप से बढ़ने को हम ग्रोथ कह रहे हैं, जिसको आप माप सकते हैं। विकास का हर पक्ष मापना संभव नहीं है, ठीक है बात। इसके अलावा स्पाइरल है, आगे पीछे जाता रहेगा, स्पाइरल है ना कि लीनियर, सिर्फ एक सीधी रेखा में नहीं चलेगा कि आज इतना हो रहा है तो कल भी उतना ही होगा, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, ठीक। एक है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का प्रिंसिपल। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बच्चा है जो पहले स्कूल जाते हुए रोता है, अब सिर्फ उसकी जो नर्व्स हैं वो टाइट होती हैं, अब वो रोता नहीं है, मतलब डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, समय समय पर मैं आपके साथ डिस्कस करती रहूंगी, आगे बढ़ेंगे। ये मत सोचिएगा आप सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट तैयार हो रहा है आपका पूरे डेवलपमेंट का, और ये बेस है सीटेट का ही एक तरीके से मैं देखूं तो, हर एक सब्जेक्ट का बेस डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो, देयर आर इंडिविजुअल वेरिएशंस इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट, येट द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज फ्रॉम डैश टू डैश। यानी कि सीक्वेंस मोटर डेवलपमेंट का, मोटर मतलब गत्यात्मक विकास, गत्यात्मक विकास किसका हिस्सा है, शारीरिक विकास का, ठीक है। गत्यात्मक मतलब गति में विकास, भाई मैं कल बॉलिंग कर पाऊं, उछल पाऊं, कूद पाऊं, ये सब क्या है, गत्यात्मक विकास है, यानी मेरी गति में वृद्धि हो रही है, वृद्धि कहना गलत होगा, एडवांसमेंट आ रही है, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, मोटर डेवलपमेंट का जो सीक्वेंस है वो किस दिशा से किस दिशा में जाएगा, ये पूछा है, दीजिए आंसर। आप कह रहे हैं सिक्स्थ का सी, मान सकते हैं हम आपकी बात को, समझेंगे अभी। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि विकास के जो प्रकार हैं वो डायरेक्शंस कौन सी हैं डेवलपमेंट की, है ना। हम कह सकते हैं चार मुख्य प्रकार हैं विकास के, PCSE, ये PCS वो वाला PCS नहीं है, UPPCS और MPPCS, ये PCS है फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, यानी आपके शरीर का विकास, एक प्रकार तो ये हुआ शारीरिक विकास, विकास का जिसमें वृद्धि भी आ जाएगी, जो शारीरिक रूप से आपकी हाइट वेट का बढ़ना, ठीक है, ये हो गया फिजिकल डेवलपमेंट। इसी के अंडर आपका मोटर डेवलपमेंट है, आपकी गत्यात्मक कौशलों में विकास, ठीक है बात। फिर है कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब संज्ञान, आपके दिमाग से रिलेटेड जितनी भी स्किल्स हैं, मानसिक क्षमताओं का विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास, मेरे मेंटल जितनी भी स्किल्स हैं, चाहे वो मेरा सोचना थिंकिंग है, मेरी इमेजिनेशन कल्पना है, चाहे वो मेरी रीजनिंग यानी तर्क करना है, ये सारी क्षमताएं मेरी कॉग्निटिव स्किल्स में आएंगी। फिर है सोशल यानी सामाजिक विकास, और लास्ट है आपका इमोशनल, ये सोशल इमोशनल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इमोशनल मतलब आपके संवेगों का विकास, आपके संवेगों का विकास, ठीक। सोशल में ही जेंडर से रिलेटेड डेवलपमेंट आ जाएगा, और कॉग्निटिव में लैंग्वेज का डेवलपमेंट आ जाएगा, फिजिकल में मोटर डेवलपमेंट आ जाएगा, ठीक है बात। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो मोटर डेवलपमेंट की भी कुछ दिशाएं हैं। मैंने जैसे अभी बताया कि हमारा शरीर तो जन्म तो लिया था, अपने हाथ पैर तो थे ही, लेकिन उनमें जब गति आनी शुरू हुई उसको हम मोटर डेवलपमेंट कह रहे हैं। अब मोटर डेवलपमेंट की दो दिशाएं हैं, यदि हम बात करें यहां तो आप क्वेश्चन पे जाएंगे वापस से। देयर आर इंडिविजुअल वेरिएशंस इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट, येट द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज फ्रॉम डैश टू डैश। तो मोटर डेवलपमेंट की दो दिशाएं हैं, ग्रॉस से फाइन की ओर जाना, समझिए एक बार। डायरेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है इन्हें, दो प्रकार की डायरेक्शन है, एक तो है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट का मतलब है स्थूल गतिक कौशल हिंदी में, ग्रॉस मोटर स्किल्स, और सेकेंड इज योर फाइन मोटर स्किल्स। ज्यादा सीरियस तो नहीं लग रही हूं मैं, वैसे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो अब आपका और मेरा सीरियस होना जरूरी है, है ना, और पॉसिबल हो पाया तो मैं 9 बजे से क्लास कोशिश करूंगी, है ना। देखो एक बार, फाइन मोटर स्किल्स, ठीक। ग्रॉस का मतलब है स्थूल गतिक कौशल, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं निकलता जनरली जब हम तैयारी करते हैं अच्छे से, स्थूल गतिक कौशल। आपकी किस्मत ही खराब हो तो एक दो क्वेश्चन निकल सकते हैं, उसमें भी आप 27 नंबर तो किसी भी स्थिति में ले आएंगे 30 में से। देखो एक बार, फाइन मोटर स्किल्स का मतलब है सूक्ष्म गतिक कौशल, ठीक। ग्रॉस मोटर स्किल्स जिसमें बड़ी मसल्स का, बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल हो आपके शरीर के, जैसे कि मैं अभी ये हाथ ऐसे चलाऊं, ये क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल्स है, बड़ी मांसपेशी है जो आपकी चलने में, दौड़ने में, कूदने में, भागने में, इन सब में यूज होती है। जैसे आपकी थाए
कि जो मसल है आपके हैंड में, जितनी भी बड़ी मसल्स हैं आर्म्स में, ये सारी चीजें क्या है, ये ग्रॉस मोटर का हिस्सा है। लेकिन जब आप अपने शरीर की छोटी मसल्स, छोटी मांसपेशियों का कोऑर्डिनेशन, समन्वयन बनाते हैं, तब हम उसको फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। जैसे मेरा ये पेन पकड़ना, तो राइटिंग किसके अंदर आएगा, फाइन मोटर स्किल्स के, है ना। वो जो निटिंग बोलते हैं ना, आई थिंक बुनने को, वो किसके अंदर आएगा, फाइन मोटर स्किल्स के। ड्राइंग किसके अंदर आएगा, फाइन मोटर स्किल्स के। वो जो आप आईलाइनर लगाते हैं, वो किसके अंदर आएगा, फाइन मोटर स्किल्स के। वहीं आप जब साइकिल चला रहे हैं तो आपकी ये वाली मसल ज्यादा यूज होगी, ग्रॉस मोटर। जब आप भाग रहे हैं तब ग्रॉस मोटर, जब आप रस्सी कूद रहे हैं तो ग्रॉस मोटर, क्योंकि बड़ी मसल्स का यूज है इसमें। फाइन मोटर में छोटी मसल्स का यूज है। ठीक है बात। हाँ रुक गया, नहीं चल तो रहा है यार, ठीक से चल रहा है, बढ़िया एकदम। हाँ जैसे आईलाइनर लगा, आईलाइनर सबको याद रहता है ना, सही है, मेरा फेवरेट आईलाइनर, बहुत बढ़िया नेहा, सही है सही है। मेरी तो कभी, वैसे रेयरली, आज तक 2-3 बार लगवाया होगा जीवन में, कहीं शादी वादी में दीदी पकड़ के लगा देती है वो भी, और उसमें भी इतनी डांट पड़ रही होती है क्योंकि मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता, मुझे तो आदत नहीं है। तो एक फ्रेंड थी, वो इस बार कहती है तूने लगाया है ये, मैं, मेरी शक्ल से लगता है मेरे से लगाया जाएगा, तो फोटो देख के। तो ऐसी ऐसी स्थिति होती है। तो आईलाइनर में फाइन मोटर स्किल्स मतलब कोऑर्डिनेशन चाहिए। अगर हाथ हल्का सा भी इधर उधर हुआ तो आपकी आंख कुछ और बन सकती है ना, ब्लैक होल बन सकती है। ठीक, तो आगे बढ़ेंगे। अगर पूछ ले आपसे ग्रॉस मोटर स्किल्स में, तो रनिंग, जंपिंग और इस तरीके की चीजें आ जाएंगी, वॉकिंग। और अगर फाइन मोटर में पूछ ले तो राइटिंग, ड्राइंग, इसके अलावा अगर मैं कहूं आपकी जो मैंने अभी बताया ये आईलाइनर वाला एग्जांपल, इसके अलावा जो बुनना है, कढ़ाई करना है, ये सब किस में आएंगे, फाइन मोटर स्किल्स में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, कुल मिलाकर के जो दिशा है वो ग्रॉस से फाइन, पहले बड़ी मसल्स का कोऑर्डिनेशन आता है हमारी बॉडी में। आप देखते हैं ना, बच्चा पहले पूरे शरीर का यूज करेगा, चलना सीखेगा, खड़े होना सीखेगा, बाद में वो पेन पकड़ के अच्छे से ड्रॉइंग करना सीखेगा, है ना। तो उससे पहले तो वो पूरा हाथ हाथ से पकड़ के बॉटल से दूध पीना तो सीख ही गया था ना, लेकिन पेन पकड़ के पर्टिकुलरली, या इस पेन को भी पूरे हाथों से पकड़ेगा, फिर धीरे धीरे फाइन मोटर स्किल्स पे। तो ग्रॉस टू फाइन जाएंगे हम, पहले बड़ी मसल का कोऑर्डिनेशन, उससे फाइन की तरफ, स्थूल गतिक कौशल की तरफ। अगर आपको पेन पकड़ना नहीं आता तो आप ब्रश थोड़े ना पकड़ पाते पेंटिंग का, मतलब फाइन जो स्किल्स हैं वो बाद में आती हैं, ग्रॉस से फाइन की तरफ हम जाते हैं, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ग्रॉस टू फाइन, ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल्स, आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। जितने लोगों ने सही दिया था ताली बजा लो अपने लिए, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट टू फाइन मोटर डेवलपमेंट। ठीक है बात, रुक गया भाई अब तो, व्हाट द हेल, देखना एक बार चल रहा है कि नहीं। देखना एक बार, अभी क्लियर होगा यार, इंटरनेट ही धोखा दे जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छे खासे हम 7,000 के आसपास लोग देख रहे थे। हाँ, ग्रॉस से फाइन की ओर, आटा, आटा गूंथने में क्या, मतलब ग्रॉस ही यूज होगी, बहुत ज्यादा फाइन तो ऐसा तो नहीं है, आप बिल्कुल वो थोड़ी कर रहे हो, आटा तो ऐसे यूज करोगे ना, तो ग्रॉस ही होंगी, ग्रॉस नहीं फाइन होंगी, फाइन मान लेंगे। वैसे ये तो नहीं पूछेगा आपसे कि आटा गूंथने में कौन सी यूज हो रही है, यूज तो दोनों हो रही है, बट ये वाले हिस्से का ज्यादा यूज हो रहा है तो कह सकते हैं कि फाइन मोटर स्किल्स। खैर, आ जाओ वापस से अब यहां। दूसरी दिशा है आपकी सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, डायरेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट समझ लेते हैं। इसका आंसर था ग्रॉस से फाइन, सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, एक मिनट में समझेंगे। सेफेलोकॉर्डल यानी सर से पैर की ओर, सिरोध पदोन्मुखी कहते हैं हम इसको, और दूसरा है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमोडिस्टल जिसको हम समीपस्थ दूरस्थ विकास कहते हैं हिंदी में। ठीक है, सेफेलोकॉर्डल का मतलब है सर से पैर की ओर जाएगा विकास। पहले बच्चा अपना सर संभालना सीखता है, फिर नीचे की तरफ उसका डेवलपमेंट का कंट्रोल जाता है, वो खड़े होना सीख पाता है, देन वो मतलब पहले बैठना सीखेगा फिर खड़े होना सीखेगा। तो सर से नीचे की ओर, सर से पैर की तरफ, हेड टू टो जाएगा विकास, ये किसमें है, सेफेलोकॉर्डल में। और अगर पूछ ले सेंटर से आउटवर्ड कैसे जाएगा, सेंटर से यानी केंद्र से बाहर की तरफ, तो प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी प्रॉक्सिमिटी से। पहले बच्चे का हार्ट डेवलप होगा, फिर रीढ़ की हड्डी पे कंट्रोल आएगा, रीढ़ की हड्डी डेवलप होगी, देन वो बाहर की तरफ उसका कंट्रोल आएगा, यहां हाथों की तरफ। ठीक है, तो सेंटर से बाहर की तरफ प्रॉक्सिमो डिस्टल, केंद्र से सीमाओं की ओर। ठीक है बात,
तो सेफेलोकॉडल अलग है, प्रॉक्सिमोडिस्टल अलग है, दोनों दिशाएं हैं विकास की। सर से पैर की तरफ हेड टू टो सेफेलोकॉडल, प्रॉक्सिमोडिस्टल सेंटर से पेरिफेरी यानी केंद्र से सीमाओं की ओर। ठीक है, बार क्लियर हो गई बात या नहीं? अरे धन्यवाद वर्षा, बहुत बढ़िया।